नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शिवपुरी के खनियान थाना पुलिस द्वारा 700 ग्राम सूखा गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद गांजे की कीमत 40,000 रुपए है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के खनियान थाना से है। इन दिनों खनियान थाना प्रभारी अपराधियों के लिए काल साबित हो रहे हैं। जब से थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने खनियान थाने की कमान संभाली है, तब से अपराधियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खनियान थाना प्रभारी इन दिनों एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं चोरी की मोटरसाइकिलों का जखीरा पकड़ना, तो कहीं अवैध कच्ची शराब, तो कहीं गांजा तस्करों को पकड़ना, जैसी कई अन्य कार्यवाहियों को भी अंजाम दिया है। इसी को लेकर आज खनियान थाना प्रभारी सुरेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कई दिनों से ग्राम गुड़ में वेयर हाउस के पास अवैध रूप से गांजा बेच रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने आरोपी आनंद सिंह पुत्र प्रतपाल सिंह चौहान निवासी एरावनी थाना बामोरकला को ग्राम गुड़ के वेयर हाउस के पास से पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 700 ग्राम सूखा गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अभिरक्षा में आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की गई, तो आरोपी आनंद चौहान के द्वारा बताया कि करीब पिछले एक वर्ष से गांजे का धंधा कर रहा है। अन्य सप्लायरों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आइए जानते हैं सुरेश शर्मा थाना प्रभारी ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। गांजे की कार्रवाई की गई है, कितना गांजा पकड़ा है, क्या कार्रवाई है? कल शाम को मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आनंद सिंह चौहान निवासी एरावनी का अपने कब्जे में अवैध रूप से गांजा रखे हुए है तथा गुड़र में वेयर हाउस के पास में बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी के कब्जे से 700 ग्राम गांजा मिला था। उसके विरुद्ध NDPZ की तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार किया गया है।